हाँ जी नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मीला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आईपीसी की। आईपीसी एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता 1860 है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। पता है क्यों? ये वो सब्जेक्ट है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं और इस समझ में भी आता है। जब आपने LLB किया था ना, तो LLB के अंदर आपने 3 साल पढ़ाई की, लगभग 27 सब्जेक्ट पढ़े थे 3 ईयर लॉ वाले, और 5 ईयर लॉ वालों के तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने 3 ईयर लॉ किया था ना। उनमें दो सब्जेक्ट थे जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ गए, पता है कौन कौन से? एक IPC और एक TOT। क्योंकि दोनों सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपकी दिनचर्या के जीवन में काम आते थे और ये जल्दी जल्दी याद भी हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आ रहे। इसके अलावा आप क्या पढ़ते थे? एक रात पढ़े, दूसरे दिन एग्जाम देकर आ गया, और आज दिन तक याद नहीं क्या? और देखो सबकी गर्दनें हिल रही है, सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं थे। जबकि मैं जब LLB करती थी ना, हमारा वही 3 ईयर लॉ था, हमारे मार्च में एग्जाम होते थे। तो मैं एक कार्तिक का महीना आता है, अक्टूबर और नवंबर के मिड में, तो हम लोग सुबह नहा धो के 4 बजे मंदिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वहाँ कथा वथा करके फिर आके पढ़ने लग जाते। तो हम लोग लगभग अक्टूबर से नवंबर में पढ़ाई शुरू कर देते थे, मतलब हमारे घर की हम बेटियाँ जो है, तो अक्टूबर नवंबर से करके मार्च तक पढ़ते थे। फिर मार्च 22 मार्च को हमारा एग्जाम स्टार्ट होता था, फिक्स था 21-22 मार्च, और वो चलता था अप्रैल 30 अप्रैल तक, कभी 30 अप्रैल कभी 15 मई तक। तो एक महीना फिर एग्जाम चलते थे, हर एग्जाम के पीछे 3 से 4 दिन का गैप होता था, बड़ा मजा आता था। 5 क्वेश्चन आते थे, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉपीज भरते थे, और एक ही टारगेट होता था 60% बनाने, ना 90 चाहिए और ना 59 चाहिए, मतलब ना 59 चाहिए ना 90 चाहिए, 60 चाहिए, क्योंकि 60 ही अपने आप में वैल्यू रखता था। ये अब जमाना बदल गया, अब 80% 90% चाहिए, बाकी उस समय तो यही था 60% सफिशिएंट है। ये बात है 2008 की, मतलब मैंने 2005-6-7-8 में लॉ कंप्लीट किया, उस समय तो यही थे। अब MP वाले रूल निकाले, 70% वाले आओ तो मत बनाओ। और वैसे तुम्हारे MP वालों के लिए हम 70% अब जरूरत नहीं लोअर में, क्योंकि हम लोअर के लायक ही नहीं रहे, 35+ हो चुके, लगती नहीं हूँ वो अलग बात है, पर हाँ मैं 35+ हो चुकी हूँ ना। तो उस समय हमारा एक ही टारगेट होता 60%, और मैं बनाती थी। तो मेरा LLB 60+ है, मेरा LLM 60+ है, मेरा DCLL 60+ है, मेरा DCLFC 60+ है, और कॉलेज में भी एक बार स्कूल में टॉपर रही मैं, और कॉलेज में भी मैं टॉपर रही हूँ। मैं DCLL की टॉपर हूँ और DCLFC की सेकेंड टॉपर हूँ, मतलब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अखबार में मेरा फोटो वोटो भी आया, वो देखो लगा हुआ पड़ा है, तो अच्छा लगता ना कभी आपके आगे लिखा गोल्ड मेडलिस्ट है, तो गोल्ड मेडलिस्ट होना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो मैंने अपने मतलब स्कूल में भी अपने अचीवमेंट ले रखे हैं, कॉलेज में भी ले रखे हैं, सभी जगह ले हूँ थ्रू आउट हिंदी मीडियम, अब पढ़ाते पढ़ाते दोनों मीडियम पढ़ाती हूँ, राइट। तो ये IPC आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएगा और आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा झिकझिक नहीं है। बस शर्त ये है, नज़र हटी दुर्घटना कटी। ऐसा क्यों बोला मैंने, बताती हूँ जरा। इस IPC में एक प्रॉब्लम है, इस IPC के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो ये है एक 378। अभी जो 378 है ना, इसका एक्सटेंड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, कभी 390 में, तो कभी इसका एक्सटेंड 391 में हो जाता है। ये IPC की प्रॉब्लम है। ये एक सेक्शन है 384, पता ही नहीं चलता कि कब वो 390 हो जाता है, कब वो 391 में चला जाता है। ये है सेक्शन नंबर 304, पता नहीं चलता कब 304 होता है, कब 302 लगाना होता है, ठीक है। ये आता है हमारे पास 307 308, पता ही नहीं चलता कब कौन सा लगाना है, या गड़बड़ हो जाती है। तो जब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, जहाँ जजमेंट राइटिंग आती है, वहां फंस जाते हो, क्योंकि है तो अच्छी पर मैंने क्या क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी। आपको लगा अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो मर्डर निकल जाता है, आपको लगता अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमसाइड निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा रहता है, तो इसको थोड़ा कैसे याद करना, गहराई से इसके मीनिंग समझ जाओगे तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं IPC। तो IPC कैसा लॉ है? एक क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, पर क्रिमिनल में कैसा लॉ है, IPC एक सब्सटेंटिव लॉ है। तो ये सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। तो हम लिखेंगे लॉ 2 टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजर लॉ। हिंदी वाले इसके 3 नाम है हिंदी में, ठीक है। एक होता है मौलिक विधि, एक होती है सारवान विधि, और एक होती है आपके मौलिक, सारवान और मूलभूत विधि। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी में 3 नाम है तो होने दो ना, अपन को क्या फर्क पड़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, सब्सटेंटिव लॉ, मूलभूत विधि। अब क्या हुआ, कई बार बच्चों से पूछते थे व्हाट डू यू मीन प्रोसीजर लॉ, तो बच्चा कहता है
कि लाइक सीआरपीसी सीपीसी, सीधा उसके मुंह से यही निकलता है, व्हाई सीआरपीसी सीपीसी? आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन प्रोसीजर लॉ, तो आपको कहना चाहिए कि प्रोसीजर लॉ वो लॉ होता है जो कि सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। उसने आपको डेफिनेशन पूछी, देन आप बताइए कि इसके एग्जाम्पल है सीपीसी सीआरपीसी। कई बार बच्चे कहते हैं कि जो कोड होता है सीओडी कोड, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, तो जो कोड होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोसीजर लॉ। तो बेटा आईपीसी इंडियन पिनल कोड, तो ये भी कभी नहीं कहना है। तो आप सिंपल कहेंगे प्रोसीजर लॉ वो लॉ होता है जो कि सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करता है। तो अब आपके अगला सवाल आएगा, तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? तो अब लिखो, देखो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, तो आप लिखो सब्सटेंटिव लॉ राइट्स लाइबिलिटीज, इंग्लिश में लिख दो पहले, राइट्स लाइबिलिटीज ड्यूटीज एंड पनिशमेंट को डिफाइन करती हैं, एंड पनिशमेंट को डिफाइन करती हैं, पनिशमेंट को डिफाइन करती हैं। हिंदी वाले सार्वान्विधि अधिकार दायित्व कर्तव्य, अधिकार दायित्व कर्तव्य एवं दंडों को परिभाषित करती हैं, एवं दंडों को परिभाषित करती हैं। तो कुल मिला के जो डेफिनेशन देती है वो हमारी सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है? कोई डाउट? नो डाउट। तो वो आपको डिफाइन करती है किसको, आपके राइट्स को, आपके लाइबिलिटीज को, आपके ड्यूटीज को, पनिशमेंट को। जैसे कि तूने मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लाइबिलिटी डिसाइड करती है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब्सटेंटिव लॉ। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर दी, राइट ट्रांसफर किया, क्या हो गया? सब्सटेंटिव लॉ। अगर पंगे हुए, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी, या तुमने मुझे मारा, मैं दो दांत बाहर निकाल दिए, ये सब क्या है? तुमने काम किया, तो उस काम को तुम्हें सजा कौन देगा? प्रोसीजर लॉ। तो इसका नाम होता है प्रोसीजर लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। ये प्रोसीजर लॉ कहां से निकल के आया पता आपको? आर्टिकल 14 से निकल के आया। आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी है, और इक्वालिटी चाहे सब्सटेंटिव लॉ हो चाहे प्रोसीजर लॉ, दोनों पे इक्वल रहती है। तो ये प्रोसीजर लॉ आया हमारा प्रक्रियात्मक विधि, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि। और लिखो इसकी परिभाषा हिंदी वाले, प्रक्रियात्मक विधि सार्वन विधि को क्रियान्वयन करती है, प्रक्रियात्मक विधि सार्वन विधि का क्रियान्वयन करती है। इंग्लिश वाले, प्रोसीजर लॉ सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू के दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आपसे कोई इंटरव्यू पूछे सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ क्या आप कर सकते हैं? राजस्थान जुडिशरी वालों, आपके एक सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन लॉ, और उस इंटरप्रिटेशन लॉ में ही आते हैं। 2019 में जब सिविल पेपर आया था, मेन में सिविल पेपर आया और सवाल पूछा प्रोसीजर लॉ सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, सबने लिखा, कोडिफाई एंड कोडिफाई क्या होता वो भी लिखा। जब सब बाहर आए तो सबके ये था कि आज इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, वो समझ ही नहीं पाए कि सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ कोडिफाई अनकोडिफाई लॉ ये इंटरप्रिटेशन से आया। उनको क्या लगता है ये तो मैं रूटीन में पढ़ता हूँ, तो सिविल का सवाल पूछ लिया, जबकि इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है वो सिखाता है, कोडिफाई लॉ क्या होता है, अनकोडिफाई लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, दो शब्द बोले मैंने आपको, जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े वैसे दो शब्द होते हैं कोडिफाई और अनकोडिफाई। हिंदी बोलते हैं संहिताबद्ध और असंहिताबद्ध, इसका मतलब क्या है, जिनमें सेक्शंस होते हैं आर्टिकल्स होते हैं उनको कोडिफाई बोलते हैं, जिनके ऊपर नंबरिंग है, और जिनके पास नंबरिंग नहीं है उसको अनकोडिफाई बोलते हैं। एग्जाम्पल बताऊं, आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस सब कोडिफाई है, सब में सेक्शन है, टॉट थ्योरी है, मुस्लिम लॉ थ्योरी है, इंटरनेशनल लॉ मोस्ट ऑफ थ्योरी है, थोड़ा एक्ट है थोड़ा थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है, ये अनकोडिफाइड लॉ होता है। तो इनको जब पढ़ते ना तो इक्वल नहीं होता, सबकी अलग अलग बुक्स होती है, सबके पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, क्योंकि उनको पैराग्राफ में लिखना होता है। तो जब आप जाएंगे बिहार जुडिशरी में तो आपको टॉट पढ़ना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, वहाँ आपको अनकोडिफाइड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आप यूपी जुडिशरी में जाएंगे वहाँ जुरिसप्रूडेंस अनकोडिफाइड लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और अभी आप नई नई तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप तीन किताबें हमेशा पढ़िएगा, एक जुरिसप्रूडेंस, एक इक्विटी, ठीक है, और एक इंटरप्रिटेशन। ये तीन किताबें पढ़ने से आपको एक नॉलेज डेवलप होगा कि आखिर लॉ होता क्या है और लॉ अप्लाई कैसे होता है, अगर टाइम है तो, और नहीं टाइम है तो टाइम वेस्ट ना करें, आप सीधा जज बने, क्योंकि आपको ज्ञाता नहीं बनना है। कोचिंग खोलना है नहीं खोलना है? कोचिंग चलाना बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत जुडिशरी के लिए कर लो, जीवन आराम हो जाता है, ठीक है? चलिए, तो क्लियर सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर। तो आईपीसी कैसा लॉ है? आईपीसी हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है। तो प्री का सवाल आएगा,
आईपीसी की नेचर कैसी है? तो आप कहना आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, कोड देख के प्रोसीजर मत बना देना, इंडियन पिनल कोड संहिता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आया आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी कब बना? 1860 में। आज भी हम 1860 पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन बाद चेंज हो जाएगा। अभी हम 1860 पढ़ रहे क्योंकि इन दिनों एग्जाम में यही आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले बच्चे इन तनुष कहेगा मैं पढ़ता हूँ बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता 2024। बीएनएसएस है ना, बीएनएस है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हुआ ना इंग्लिश, नागरिक संहिता। अरे यार न्याय नहीं, नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता ना। तो अभी आप लोगों के लिए तो यही है। तो 1860 से तो अमित शाह जी ने कहा नहीं यार अब चेंज किया जाए इसको, इतनी पुरानी यार कितने साल हो गए, उन्होंने कहा 3-4 जन्म तो मेरे ही हो गए 1860 से लेके अब तक, तो इसको चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, फिर ये सब्सटेंटिव लॉ इसको प्रोसीजर करने के लिए इसका पिताजी को लाना पड़ा, उनका नाम है, हाँ पिताजी है इनके और तो क्या है, 1861 बैक टू बैक सीआरपीसी लानी पड़ी प्रोसीजर लॉ के लिए। ये जो सीआरपीसी ना अपन कौन सी पढ़ रहे हैं 1973 की, आने वाले दिनों में अपन कौन सी पढ़ेंगे 2023 की, वो आएगा तब देखी जाएगी। ठीक है, तो 1861 तो बैक टू बैक प्रोसीजर लॉ, तो जैसे ही तुम मुझे मारोगे, दांत निकालोगे, दांत बाहर निकाल दोगे, ग्रीवेस हट करोगे, तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा के लिए तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, जज आपके सामने अपीयर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगी, वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, सीआरपीसी में। इसका मतलब आईपीसी में जो भी अपराध होंगे उसकी ट्रायल सीआरपीसी करेगी, ये बात कहाँ लिखी हुई है पता आपको? ये बात लिखी हुई है सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 26 में। लिख दो कि आईपीसी में जो भी ऑफेंस कमिट किए जाएंगे, आईपीसी में जो भी ऑफेंस कमिट किए जाएंगे उन सारे ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट, उस सारे ऑफेंसेस के लिए प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया हुआ है, सारे ऑफेंसेस के लिए प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया हुआ है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है तो आप बताना, ये बात लिखी हुई है सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 4 और 26 में, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 4 और 26 में। तो क्या समझ में आया? इसका मतलब पूरी की पूरी आईपीसी को सीआरपीसी के साथ पढ़ना पड़ता है। तुम आईपीसी में ऑफेंस करो और सीआरपीसी में सजा दिलाओ। अब अगर आप वकील बनते हो तो कोर्ट जाते हो तो आपको आईपीसी पता होनी चाहिए और आपको सीआरपीसी भी पता होनी चाहिए। आप अपने अक्यूस्ट को बचा सकते हो, जैसे मान लो तेरे अक्यूस्ट पे केस लगा, क्या केस लगा 302 का, ठीक है। अब तुम अक्यूस्ट के वकील हो, तुम चाहते हो कि 302 से उसको बाइज्जत बरी कराना है, तो क्या करना पड़ेगा पता है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 के अंदर, पता है सेक्शन नंबर 76 तो आप जब आईपीसी को रटोगे तभी तो अपने क्लाइंट को बचाओगे, नहीं तो कैसे बचाओगे? सीआरपीसी तो काम किसका है, जज का नहीं, आपका भी है। कैसे पता चलेगा बताती हूँ। सीआरपीसी का सेक्शन 221, 222 तुम यहां पर भी फायदा दिला सकते हो। यदि मान लो तुम्हारे क्लाइंट पे 302 का केस लगा हुआ है, तुम उसको 302 से तुम कन्वर्ट कर सकते हो 304A में, नेग्लिजेंसी में, क्योंकि 302 की सजा तो है डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 ईयर्स, नेग्लिजेंसी में 2 साल की सजा हो जाती है। तो आपका क्लाइंट आपको कब पैसे देगा? जब उसकी बड़ी सजा को छोटी में कन्वर्ट करोगे और या फिर उसको बाइज्जत बरी करवा दोगे आप। इसका मतलब आईपीसी आपके टिप्स पे होनी चाहिए अगर अच्छा वकील बनना है और करोड़ों कमाना है तो। नंबर 1, जज बनना है तो भैया फिर भी आईपीसी टिप्स पे होनी चाहिए, लाखों कमाने तो। और कोचिंग खोलनी है तो भी आईपीसी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और किसी को पढ़ाना है, कॉलेज को बच्चों को, आपको क्या बोलते हैं कॉलेज लेक्चर बनाए, तो भी टिप्स पे होनी चाहिए। अब टिप्स पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? आईपीसी को 3 भाग में डिवाइड कर दो, करे अच्छो 1 से लगा के 229A, 230 से लगाकर 377 और 378 से 511। एक्चुअली ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये लाइव क्लासेस का है, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसके बीच का है, तो ये बीच में टास्क देते रहते बच्चों को। तो क्या करना है विजेता, अगले 3 दिन तक तुम्हें इसको खत्म करके मुझे रिपोर्ट कार्ड जमा कराना है। मैडम ये लो मेरे पूरे सेक्शन हाथ से लिखे हुए, टाइप किए हुए नहीं, ठीक है। स्पेशली भाई रिन्यूअल वाले बच्चों थोड़ी शर्म कर लो, अब समय आ गया है, ठीक है। अगले 3 दिन में आपका टारगेट है ये पूरा रीडिंग करना है और मुझे आप पन्ने जमा कराओगे, देखो मैडम मैंने सारे सेक्शन लिख लिए, मंजूर है? हाँ या ना, मंजूर है तो सिलेक्शन पक्का है।
शाम का समय भगवान से प्रार्थना करूंगी जो लिख के दे उनका सिलेक्शन पक्का कर लेना। ऋषि तो बोल तो था तू तथास्तु, ठीक है ये टारगेट बनाओ, क्योंकि जब मैंने 2015 प्रिपरेशन की मैं ऐसे ही करते थे, मैं तो लिख लेती थी, क्योंकि मैं लिख लिख के करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईपीसी पढ़ने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में रोज करा के काम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टराइजेशन। जल्दी से सभी अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, सबसे ऊपर लिखिए आईपीसी 1860, पूरा नाम लिख सकते हैं भारतीय दंड संहिता 1860, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर 23, टोटल चैप्टर 23, टोटल सेक्शन 511। कमिंसमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 1862। एक्ट नंबर क्या है? 45। एक बार की बात है, एक बच्चा मेरे से पढ़ रहा था तो जेजेक चल रहा था, क्योंकि जनरली आप जहाँ जाते हो एक्ट नंबर पे, अब तो चर्चा होने लगे, मैंने यूट्यूब पे इतना बता दिया कि अब तो सभी फॉलो करने लगे, बाकी स्टार्टिंग में ये लोग नहीं करते थे। मैं तो थ्रू आउट जब से कोचिंग खुला सब चीज़ें शुरू से थी ना, तो एक बच्चे ने कहा मैडम ये जो जेजेक पढ़ रहे हैं ना, वो जेजेक में क्या हुआ बेटा? 3 सेक्शन है जेजेक में, 2 का 33, 2 का 45 और 2 का 54। वहाँ पे 3 सेक्शन दिए हुए जेजेक में, उन तीनों सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि हीनियस ऑफेंस वो होते हैं जो कि आईपीसी 1860 ब्रैकेट में लिखा है एक्ट नंबर 45, जिसमें 7 ईयर से ऊपर का है, ठीक है। पेटी ऑफेंसेस वो होता है जो आईपीसी एक्ट नंबर 45 फिर से लिखा और जो 3 साल से कम होता है, और सीरियस ऑफेंस वो होते हैं जो कि 3 साल से ऊपर और 5 साल से कम, ऐसे करके वहाँ लिखा हुआ था। तीनों में एक्ट नंबर 45 लिखा। वो बच्चा मुझे कह रहा है मैडम ये तीनों डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 45 में है क्या? आई एम सरप्राइज, मैं बेटा आपको एक्ट नंबर नहीं पता? बोला नहीं, क्योंकि वो माइनर एक्ट की क्लासेस ज्वाइन करना आया था, मेजर एक्ट नहीं दिया था, माइनर क्लासेस ज्वाइन की हुई थी उसके। तो मैंने कहा बेटा एक्ट नंबर, क्योंकि मैं तो थ्रू आउट जैसे मेजर एक्ट स्टार्ट होता है तो अपने स्टार्टिंग में सारे कुछ बताते हैं, तो मुझे लगा नहीं नहीं माइनर हो या मेजर एक्ट नंबर जो बच्चा आए मुझे सबको ही बताना है, क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों के पास। तो ये 45 बार बार लिखा था एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 आईपीसी, तो बच्चा कन्फ्यूज हो गया। तो इसलिए हमें एक्ट नंबर पता होना चाहिए, और ये एक्ट नंबर तो बहुत जगह देखने को मिलता है, आईपीसी का एक्ट नंबर 45 तो बहुत जगह देखने को मिलता है, तो इसका एक्ट नंबर 45 है। अब मेरा सवाल है महक से, इंडियन एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है? वेरी गुड। सीआरपीसी का एक्ट नंबर क्या है रोहित? वेरी गुड। तो एविडेंस का एक्ट नंबर 1 है और सीआरपीसी का 2 है, और आईपीसी एविडेंस का 1 है, सीआरपीसी का 2 है और आईपीसी का 45 है। तो तीनों मेजर के एक्ट नंबर आपको रट्टे पर होने चाहिए, काम आएंगे लाइफ में, बहुत जगह काम आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले चलिए, तो एक्ट नंबर 45 हो गया। एक्सटेंड पूरे इंडिया में है, कहाँ से कब से है पूरे इंडिया में? वेरी गुड, लिखो 31 अक्टूबर 2019। ये डेट तो आपको याद ही हो गई सबको, क्योंकि ये की डेट हम कहाँ लिख के आए? इंडियन एविडेंस एक्ट में। और देन सिग्नेचर कब हुआ इसके ऊपर? 6 अक्टूबर 1860, सेम डे, मतलब सेम ईयर आईपीसी 1860 है और सिग्नेचर भी 1860 पर ही हो गया। लेकिन ये कमिसमेंट कब हुआ? 1 जनवरी 1862। इधर देखो एक चीज बताती हूँ, सिग्नेचर हो गया इस पे 1860 में ही, लेकिन लागू कब हुआ? 2 साल बाद 1.5 साल बाद। तो हो सकता अपने नए वाले भी ऐसे कुछ हो, सिग्नेचर हो गए इनके 2023 में, हो सकता है। ऊपर वाले से प्रार्थना करो इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, फिर लागू हो, आपका टेंशन खत्म, सही है ना पूनम? अब पूनम के चेहरे पे थोड़ी स्मेल आई सुबह से, मैडम क्या करूं, नए पढ़ो पुराने, टेंशन में थी, और देखो राजी हो रही कि अच्छा 2 साल इसके भी लगे तो 2 साल उसके भी लग जाए, बढ़िया है, ठीक है। चलिए तो याद रखना कमिंसमेंट 2 साल बाद। अरे ये तो कुछ नहीं है, कई कई ऐसे एक्ट भी पढ़े मैंने 15 साल बाद कमिंसमेंट हुआ है, भूल जाते बेचारे बना के, याद होता ले काम बहुत है ना, करे क्या, छुट्टियां बहुत आ जाती हैं, 365 दिन में से 120 दिन तो छुट्टियां में चले जाते हैं, बच्चे कुछ उनको समझ ही नहीं आते हैं, फिर आए दिन रिटायरमेंट उनकी पार्टियां ऐसे रह जाते हैं, वो तो भूल जाते हैं कि एक्ट बनावा पड़ा था। ऐसे अपने साथ भी होता है ना, नई ड्रेस लाके अंदर रह जाती है, दूसरी खरीद रहते पहले तो वो अंदर ही पड़ी रह जाती है, अरे ये तो मैंने कभी पहनी नहीं, फंक्शन ही हो गया, अब क्या करें, वो इनके साथ हो जाता है, ठीक है। चलिए वापस बोले एक साथ आ जाओ, टोटल चैप्टर, टोटल सेक्शन 511, कमेंसमेंट 1 जनवरी 1862, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया 31 अक्टूबर 2019, सिग्नेचर 6 अक्टूबर 1860, एक्ट नंबर 45, ठीक है। अब
आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? अभी चैप्टर्स नहीं लिखने हैं, चैप्टर्स नहीं लिखने हैं, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस बार कहानी पूनम, तेरे से तेरे नाम से शुरू कर दो, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? बोलो, मैडम मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे नाम से कहानी सुना दो। ओके, एक पूनम नाम की लड़की थी, ठीक है? वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, चैप्टर 1 से 5 तक। फिर उसने कहा मेरे पास कुछ एक्सेप्शन भी है, तुम एक्सप्लेनेशन भी उसको पढ़ लेना कि मैं कितनी खूंखार भी हो सकती हूँ। कुछ एक्सप्लेन किया इसने 6 to 52A पर। फिर इसने कहा चलो कोई बात नहीं, आना मेरे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, और यदि तूने मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ छेड़खानी की तो मैं तुम्हें दूंगी पनिशमेंट। तो उसने पनिशमेंट दी 53 से 75 तक। फिर उसने कहा चलो हटो यार, कभी कभी जिंदगी में एक्सेप्शन भी ले लो, कोई इशू नहीं है। उसने आपको अपवाद भी दे दिए, 76 से 126 आपको ऑफेंस नहीं होगा। जैसे उसने एक्सेप्शन दिए, उपासना ने उसका अबेटमेंट किया 107 से 120। देखो जब छूट मिलेगी तो आदमी उनके काम करेगा, तो आपने उसका अबेटमेंट किया 107 से 120। जैसे उपासना पूनम से मिली, ये दो लोग हो गए, और दो लोग मिलते क्या बन गए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी आ गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी 120A से 120B। अब दोनों ने कहा पढ़ाई तो अपन से होती नहीं है, चलो एक काम करते हैं, अपन चाहते हैं भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हैं, ठीक है? दोनों ने प्लानिंग की और क्या किया, चैप्टर 6 में ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, चलो धावा बोले गए स्टेट के अगेंस्ट 121 से 130। तुम जब भी स्टेट के अगेंस्ट जाओगे तो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगी, आर्मी नेवी। तो आर्मी और नेवी के बहुत सारे लोग आ गए तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों से सामना करने के लिए 131 से 140। जैसे वो आए तो आपने क्या किया, अपनी गैंग बढ़ाई, आपने अशोक को भी शामिल कर लिया, विजिता को भी कर लिया, और ये सब करके आपने अनलॉफुल असेंबली बना दी 141 से 160। जैसे आपने अनलॉफुल असेंबली बनाई तो पब्लिक सर्वेंट आपको पकड़ने के लिए आए, आपने उनको रिश्वत दे दी, पैसे दे दिए। तो क्या किया, पब्लिक सर्वेंट आया 161 से 171, और आपने उनको पैसे दे के भगा दिया, तो आपने उनको रिश्वत दे दी 17, इसी के अंदर आ जाएगा, दोनों इसी में आ जाएगा 161 से 165 रिपील हो गया। तो यही रिश्वत दी, जैसे तुमने पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दी उसने भी ऑफेंस किया, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध होता है। फिर पूनम ने कहा यार अब क्या करें, अब एक काम करें, इलेक्शन आ गए। पूनम कहती है मैं इलेक्शन में खड़ी हो जाती हूँ, तुम सब मेरे साथ हो। हाँ, पूनम आगे चैप्टर 9 में इलेक्शन में खड़ी हो गई 171A से I तक। अब मैं आपको बता दूँ, ऑफेंडर को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार नहीं होता है, वो बैन होता है। तो उसने क्या किया, इलेक्शन में खड़े होकर कंटेम्प्ट किया, किसका क्या, लॉफुल अथॉरिटी का। वो तो ऑफेंडर है, तुम इलेक्शन में कैसे खड़ी हो सकती, तो तुमने जो लॉ हमारे चलते हैं उसका तुमने कंटेम्प्ट किया 172 से 190 तक। जैसे तुम्हें पकड़ आई तो तुमने फॉल्स एविडेंस दिया, मैं तो इलेक्शन में खड़ी हुई नहीं, किसने आपको कहा मैं इलेक्शन में खड़ी हुई, वो झूठ बोली 191 से 1229A में, तो हमने उसको जेल में डाल दिया। जैसे उसने झूठ बोला तो हमने क्या किया, पूनम को जेल में डाल दिया। अब जेल में डाला, अब पूनम तो पूनम के साथ पूनम की गैंग भी गई, अशोक उपासना सब। अब पूनम बैठे बैठे कहानी सुनाती है, 12वीं में जब मैं पढ़ती थी तो मेरा सिक्का चलता था, तो आया चैप्टर 12, ये सिक्का 230 से 263A। तो उपासना ने कहा अच्छा तेरा सिक्का चलता था तो क्या करती थी, बोला मेरा सिक्का तो खोटा ही था, मैंने सारे बांट दिए। तो इसको हिंदी में कहते हैं चैप्टर 13 को बांट और माप, यानी सारे बांट देना, ठीक है? इंग्लिश में वे टू मेजर से हिंदी में होते हैं बांट और माप, यानी सारे उन्होंने बांट दिए। तो 264 से 267। तो उपासना बोला फिर क्या हुआ, तो बोला मैंने खोटे सिक्के बांटे तो न्यूसेंस तो होना ही था, लोगों में झगड़े शुरू हो गए, तो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो गया। तो इस पूरे चैप्टर में 5 चीजें हैं, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मोरालिटी, ये पांचों मिलके एक चीज बनाती है, उसको बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। तो खोटे सिक्के बांटेगी तो न्यूसेंस क्रिएट होगा, तो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो गया 268 से 294A। अब पूनम नाम से क्या है, हमारे इंडिया में क्या दिक्कत है, नाम से धर्म चलता है, तो पूनम रह गई हमारी हिंदू, तो लड़ाई हो गई, और हिंदुओं ने नकली सिक्के मार दिए, ऐसे करके धर्म के नाम पर लड़ाई हुई। लड़ाई किसकी थी, खोटे सिक्के की, और उस खोटे सिक्के की लड़ाई कन्वर्ट हो गई हमारे रिलीजन के अंदर, हमारे साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आ गई ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन हो गया 295 से 298। और हमारे इंडिया इतना खूंखार है कि धर्म के नाम पर हम क्या कर देते हैं, मर्डर। तो चैप्टर नंबर 16 में आपने ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी करना शुरू कर दिया 299 से 377 मारना शुरू किया। उसके बाद पूनम और पूनम की गैंग ने क्या किया, सारा सोना चांदी प्रॉपर्टी लेके भाग गए 378 से 462, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ले ली तब भी इसका मन नहीं माना, क्या सब आ गए अब क्या करें, हर चौराया हर जगह मेरे नाम होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट अपने नाम करवा लिए। चैप्टर नंबर 19 ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज मार्क्स 463 से 489A तक। और ये सब पूनम ने किसके साथ किया, अपने साथियों के साथ, सब कुछ खुद के नाम कर दिया और सबको ठेंगा दिखा दिया। तो क्या किया इसने, ब्रीच ऑफ सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसने सेवा संविदा को ब्रीच किया 490 से 491 तक।
अब पूनम ने कहा यार जिंदगी निकल गई सब करते हुए, अब शादी कर लेती हूँ। फाइनली चैप्टर 20 में उसने शादी कर ली, क्योंकि शादी एक ऐसा लड्डू है, खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए। तो अपने भी कल शादी के 7 साल पूरे हो रहे, तो अपन तो खा के बड़े खुश हैं, तो इसलिए खा के ही पछताना, बिना खाए तो कैसे एक्सपीरियंस करोगे बेकार है। तो जो भी शादी ना करे, मेरा सजेशन है करे शादी, 7 साल मेरे भी पूरे हो रहे, और कल मेरे पति के लिए बहुत बड़ी बात है कि आईपीसी का सेक्शन 304B हट जाएगा, क्योंकि शादी के 7 साल के अंदर अगर डेथ होती है अनेचुरल तो डावरी डेथ होती है। अब डावरी तो खत्म हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं, 302 बाकी है, ठीक है। चलिए पूनम ने शादी की। अब देख बेटा, शादी चाहे पूनम करे चाहे उर्मिला, कोई भी महिला करे, क्रुएल्टी तो होगी, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है हमारे यहाँ। ये क्रुएल्टी पहले वाली महिलाओं के लिए थी, अब तो पुरुषों पर हो जाती है, पता नहीं चलता। तो पूनम ने शादी करते उसकी हुई क्रुएल्टी 498A लगा। ए लगते पूनम को लगा, अरे आज तक मैंने लोगों को उंगलियों पर नचाया, मेरी क्रुएल्टी ऐसे कैसे हो? उसको लगा डिफेमेशन 499 से 502, उसको आया गुस्सा, उसने इंसल्ट फील की, और उसने क्या किया, तो उसको हुआ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एनो ही हुआ 503 से 510, और उसने जाके किया अटेम्प्ट, चैप्टर नंबर 23 अटेम्प्ट, क्योंकि आदमी गुस्से में जाके मारने गया, हुआ अटेम्प्ट, और ये हो गया 511 खत्म। जब भी आप रिवाइज करो कहानी के साथ करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पर याद रखना जब भी याद करो सेक्शन हमेशा साथ याद करना। आप में से कई बच्चे गलती करते हैं, पहले पूरे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं फिर सोचते बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। आप ऐसे याद करो, चैप्टर वन कहता है पूनम अपना इंट्रोडक्शन देती है, देखो यहाँ प्रीलिमिनरी वर्ड नहीं इंट्रोडक्शन शब्द है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था इंडियन एविडेंस एक्ट में कि जनरली प्रीलिमिनरी वर्ड यूज होता है, लेकिन आईपीसी के अंदर क्या वर्ड यूज हुआ है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप कहने ऐसे याद करो कि पूनम नाम की लड़की थी, आके अपना इंट्रोडक्शन देती है सेक्शन 1 से 9 लेके 5 तक, फिर वो अपने एक्सप्लेनेशन बताती है 6 से लेके 52A तक, फिर वो कहती है अगर मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ छेड़खानी की तो मैं तुम्हें दूंगी पनिशमेंट 53 से 75 तक, ऐसे साथ ही बोलना है, क्योंकि आज मुझे सीपीसी के साथ ऑर्डर के रूल्स याद है, क्योंकि उन्होंने उनको साथ ही याद किया। मेरा ही मानना है बाद में कभी कुछ नहीं होता, जो करो साथ साथ करो, ठीक है। तो कोशिश करना इसको ऐसे याद करना, और याद करके लिखना है, कितनी बार लिखना है, 5 बार। तो आज का आपका फिर से एक नया होमवर्क आया है, कि क्या होमवर्क आया है, 5 टाइम आपको पहली बार आधा दूरा देख देख के आंखें बंद करके देख के लिखना है, सेकंड टाइम थोड़ा देख ले, तीसरा चौथा पांचवा बिना देखा देख आपको पूरा लिखना है। अब आप कहेंगे मैडम इन चैप्टर्स को याद करने में क्या होगा, क्या एग्जाम आता है? तो सुनो, एमपी एडीजे 2023 जो दिसंबर में पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया था कि एसआरए का चैप्टर नंबर 6 कहां से कहां तक है, उसका नाम क्या है। मैंने एम्स का एक एग्जाम दिया था लॉ ऑफिसर का, जिसकी सैलरी है 2.25 लाख रुपए, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सीपीसी का ऑर्डर 8 क्या है, उसमें क्वेश्चन आया था प्ली बार्गेनिंग इनमें से सेक्शन कहां से कहां तक है। इसका मतलब इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, कभी किसी चीज को हल्के में मत लो, और भरोसा नहीं है लास्ट ईयर का हरियाणा का प्री उठा के देख लो, आपको कई सारे चैप्टर्स डायरेक्ट दिखेंगे। तो भैया अपन को जज बनना है तो अपन को तो फालतू चीज भी देख के जानी है, क्यों फालतू देख के जानी बताती हूँ मैं आपको। एमपी हायर जुडिशरी के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट का सवाल आता है, विजेता 110, तुम्हें तो पता है ना इंडियन एविडेंस एक्ट, तो पढ़ी हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट, तो तूने पढ़ रखा है, पढ़ा है ना बेटा, वहां पर सेक्शन 110 आया। अब बता विजेता 110 में कितनी लाइनें लिखी हुई है, 2 से 3 लाइनें, इतने ही है, ठीक है। अपने वहां पे सवाल आया 304B आईपीसी, नहीं ए ए ए, अब ये भी तूने पढ़ रखा है, पता कितनी लाइन है, 3 लाइन है, उससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लेस दे नहीं है, कोई फालतू नहीं, सारे के सारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और क्या आया, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 35। अब बताओ 35 तो अपन क्या पढ़ते, पब्लिक ड्यूटी, 5 नंबर का क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। और क्या आया, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 195A। अब आप जाके देखो इन सेक्शनों को, ये सेक्शन सब 3 से 4 लाइन में खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई चीज हल्की नहीं है, हमें लगता है केवल प्री के लिए, ये मेन में 5-5 नंबर का है। हाँ इसके साथ आपको केस लॉज लिखने हैं, वो मैं आपको लिखवाऊंगी, अब तो नया पैटर्न हो गया, अपन हर चीज में केस लिखेंगे। जहां पर नई फाइंडिंग आई 2023 के केस भी मैं आपको लिखाऊंगी, और 1898 के केस भी मैं आपको लिखाऊंगी, उसके आप चिंता फ्री रहो। इसका मतलब हल्के में कुछ नहीं लेना, ये जो चैप्टराइजेशन है ना, इस चैप्टराइजेशन को भी आपको याद करना, ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना कि ये नहीं आएगा, ये क्या है मतलब है, हमारा टाइम वेस्ट है, जिंदगी में कभी कोई चीज वेस्ट नहीं होती है, पढ़ी हुई चीजें कभी वेस्ट नहीं होती, इस चीज की तुम गांठ बांध लेना, पढ़ावा कभी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब अपन लिखना स्टार्ट करें, आज अपने रजिस्टर निकालो सब जने, तो
कहानी अच्छी लगी पूनम? अरे बेटा एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कहानी में नाम लेते ना तो बच्चे गुस्सा करते, हमारा नाम कैसे ले लिया, तो इसलिए फिर विदाउट कंसेंट नथिंग सो आपका नाम लेना पड़ा। ठीक है चलो स्टार्ट करो लिखना, अपना अपना बैरेक निकालो। बैरेक निकाल के, हालांकि मैं आपके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी कर रही हूँ, बैरेक में निकालो तो दोनों काम हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर वन लिखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, बट जब हिंदी मीडियम वाले आप हिंदी में लिख लो ना, फिर आप अपना समय निकाल के इसको इंग्लिश में भी लिखना। क्यों लिखना मैं बताती हूँ, अपन हिंदी मीडियम है पर अब आने वाले दिनों में तो इंग्लिश भी होती है ना, तो उस एक हम कैसे इंग्लिश करेंगे, राम जाता है, राम गया और राम जाएगा, और राम गया वापस आज तक नहीं आया, तो इंग्लिश भी नहीं आई। तो कोशिश करो मेरी तरह साथ साथ चीज़ें करो, पता ही नहीं चलेगा आपका कब इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, तो स्पेलिंग ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आप हमेशा हिंदी मीडियम वाले कोई भी सब्जेक्ट करो ना, हमेशा ध्यान रखना ये कि जो चैप्टर्स आपने हिंदी में लिखे फिर समय निकाल के उसको इंग्लिश में भी एक बार लिख देना है। ठीक है चलिए, तो चैप्टर वन कहता मैं इंट्रोडक्शन हूँ, 1-5 हिंदी वाले में प्रस्तावना हूँ, 1-5। फिर आता आपके पास चैप्टर नंबर 2 कहता है मैं जनरल एक्सप्लेनेशन हूँ, 6-52A। लिख लो यूट्यूब पे, आप जब ये देख रहे हो आपको लगेगा अब तो मैम टाइम पास है मैं क्यों करूँ, अरे नहीं तुमने देख लिया टाइम लगा ही लिया तो नॉट टाइम पास। अपना बैरेक निकालो, अपना रजिस्टर निकालो, करना शुरू हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सीखा हुआ काम आएगा जीवन में, नुकसान कभी नहीं करेगा और पढ़ी हुई चीजें कभी नुकसान नहीं करती। ठीक है 6-52A। नंबर 3 पनिशमेंट, 53-75। नंबर 4 जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण अपवाद, 76-106। 5 अबेटमेंट दुष्प्रेरण, 50-107-120। राजस्थान जुडिशरी वाले आपके पोक्सो आपके कोर्ट्स में है ना, एमपी वाला आपके भी कोर्ट्स में पोक्सो है, दिल्ली वाला आपके भी है, और ये अबेटमेंट है ना वहाँ पर भी है, पूरा एक चैप्टर है जिसमें अबेटमेंट है, वहाँ पर एग्जाम में पूछते हैं। एनडीपीएस एक्ट है ना वहाँ पर भी है, तो बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट होते हैं हमारे जिसमें आते हैं, जिन जिन के सब्जेक्ट होते हैं, तो अपन जब डिटेल स्टडी करेंगे तो साथ में कोरिलेट भी कराऊंगी, ताकि क्या होगा जब एक सेक्शन एक में पढ़ा वही किसी और में पढ़ा, ऐसे करते धीरे धीरे आपको याद हो जाता है। ठीक है देन आता है चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। अब देखो एक चीज देखो, एक मिनट रुकेंगे आप यहाँ पे, इधर देखो सब जने, ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बेटा इसको ऑब्लिक करते हैं, ऑब्लिक करके लिखो कॉन्स्पिरेंसी, इसको ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे आप कॉन्स्पिरेंसी। क्यों लिखा है पता है, जब ओनली कॉन्स्पिरेंसी वर्ड होता है ना बेटा हिंदी वाले, ओनली षड्यंत्र वर्ड होता है तो वो टॉट होता है, और जब उसमें क्रिमिनल जुड़ जाता है तो वो आईपीसी होता है। तो लिख दो कहीं बॉक्स बना के कि ओनली कॉन्स्पिरेंसी षड्यंत्र शब्द होगा तो TORT टॉट अपकृत्य विधि हो जाएगी। ठीक है और जैसे क्रिमिनल वर्ड जुड़ जाएगा तो आपका टॉट बदल जाएगा आपके क्रिमिनल में, टॉट बदल जाएगा क्रिमिनल में। ठीक है चैप्टर 5A हो गया। अब चैप्टर 5A इधर देखो एक मिनट, एक और चीज, चैप्टर 5A बीच में जुड़ा है ना, इसका अमेंडमेंट याद रख लो क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो लिखो 1913 में जुड़ा, लिखो चैप्टर 5A 1913 में जुड़ा, ये हमारा प्री का क्वेश्चन है। देन आता चैप्टर नंबर 6 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, 121-130। फिर ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी नेवी 131-140। अब इधर देखो एक और चीज सिखाती हूँ, इधर देखो इसमें भी 10 सेक्शन है, 121-130, इसमें भी 10 सेक्शन है 131-140, कितने जल्दी याद हो गए दोनों, 10 और 10। फिर अनलॉफुल असेंबली बनी 141-160। एक चीज नोट करो, चैप्टर 8 है ना इसका नाम है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांकुलिटी, ब्रैकेट में लिखो अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि शॉर्टकट में इसका नाम है अनलॉफुल असेंबली। तो जाइए चैप्टर 8 के साथ, उसका डिटेल है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांकुलिटी, लेकिन शॉर्टकट में लिखेंगे अनलॉफुल असेंबली। लिखा, अब जब चैप्टर 8 आ जाओ सब जने, इधर देखो एक बार, चैप्टर 8 का प्रोसीजर कहाँ पढ़ते हैं हम, सीआरपीसी में, तो लिखो सीआरपीसी चैप्टर 10 में, सीआरपीसी चैप्टर 10 कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 10 के अंदर 128-132। तो लिख दो इसका प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, देखो अगर आईपीसी के साथ सीआरपीसी इसलिए अपन साथ साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि सारा साथ साथ चलता ही है, तो सीआरपीसी के चैप्टर 10 में 128-132। फिर चैप्टर 9 आता है ऑफेंस बाय और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, 161-171। और देन चैप्टर 9A इलेक्शन, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, इलेक्शन होते हैं ना एमएलए के एमपीस के सरपंच के, वो लोग का पैसे बांटते हैं दारू बांटते हैं है ना, वो सब इसमें आ जाता है, वो नहीं बांटना होता है, वो लोकल उनके एक्ट में भी आता है आईपीसी में भी आता है। ठीक है कब जोड़ा गया, लिखो 1920 में। फिर से प्री का सवाल,
कि चैप्टर नंबर 9A कब जोड़ा गया? 1920 में जोड़ा गया, 1920, ये दूसरा आपका प्री का क्वेश्चन कि कब जोड़ा गया, 1920 में। फिर चैप्टर 10 कहता कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, 172 से 190। अब विजिता मुझे बताएगी, विजिता सीआरपीसी में एक सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्ट का, बता कहाँ पढ़ते हैं? सीआरपीसी में एक सेक्शन है कंटेम्प्ट का, पूजा हरगुन मैं बताऊं, लिखो सीआरपीसी 345, याद आया? मेन एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा सीआरपीसी 345 कंटेम्प्ट का प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसमें आपको 200 रुपीज़ की सजा मिलती है, फिर तुम 200 रुपीज़ नहीं देती तो तुम्हें 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट मिलता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंटेम्प्ट है, पता है सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए खुद पनिशमेंट दे सकता है, हाई कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए खुद पनिशमेंट दे सकता है, याद आया? सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा आर्टिकल 129, बड़े काम के है। जैसे कंटेम्प्ट दिखे ना फटाफट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीआरपीसी आईपीसी सबको लिख दो, सिर्फ इस माइंड को अप्लाई कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए, याद कराने के लिए, ठीक है? हाँ जी, देन चैप्टर 11 फॉल्स एविडेंस, हम सबका फेवरेट, मिथ्या साक्ष्य देना और घड़ना, फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेट, ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे। 191 से 229 ये पहला पड़ाव खत्म हो गया विजेता तुम्हारा, और 3 दिन बाद में तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देखूंगी, ठीक है? आगे चले, ओके। देन आता चैप्टर नंबर 12, 12वीं में मेरा सिक्का चलता था, तो चलने दो, वो 12वीं में चलता है, उसके बाद सिक्के बंद हो जाते हैं, है पूनम? उसके बाद सिक्के बंद हो जाते हैं, फिर अक्ल ठिकाना आती है, अरे जीवन में कुछ करना है, सिक्के बहुत चला लिए, फिर बंदा जाके सीनियर बनता है। सच्ची में जो भाई तो गुदमास होता है ना, वो 13वीं में आके, आई मीन कॉलेज में आके, वो सीनियर हो जाता है, उसको फिर लाइफ की एक्चुअल चीजें समझ में आने लग जाती है। 230 से 263A तक, और देन वेट एंड मेजर्स, पता है इस वेट एंड मेजर्स यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया हुआ है, रोहित बताएगा कहाँ दिया हुआ है। वेट एंड मेजर्स का प्रोसीजर, पुलिस आती है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, फिर तेरा सामान उठा के ले जाती है अगर तेरे खोटे होते तो। विजिता, पूजा, हरगुन, रंजू, सीमा, ममता, रोहित, क्या करते हो टबरियों? सीआरपीसी सेक्शन नंबर 153 याद है? याद कर विजिता, चैप्टर नंबर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, सेक्शन 153 वेट ऑफ मेजर्स के लिए प्रोसीजर दिया हुआ ना बेटा। देन आता है चैप्टर 14, इसमें देखो 5 चीजें हैं, हिंदी वाले आपके लिए हिंदी में 5 शब्द हैं, मौलिकता, एक बार 5 वर्ड हिंदी में क्या है, लोक स्वास्थ्य, शेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार। इंग्लिश वाले पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड सेफ्टी, इन सबको मिला के क्या बोलते पता है? पब्लिक न्यूसेंस। इन सबको मिलाते तो एक शब्द यूज करते पब्लिक न्यूसेंस, हिंदी में बोलते बेटा लोक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस, ठीक है? अब ये पब्लिक न्यूसेंस कहाँ कहाँ पड़ते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले लिखो सीआरपीसी, लिखो सीआरपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 133 से 143, लिखो सीआरपीसी में पढ़ते हैं 133 से 143, लिख दिया। फिर लिखो टॉट में पढ़ते हैं, फिर और कहाँ पढ़ते हैं, लिखो सीपीसी सेक्शन नंबर 91। तो पब्लिक न्यूसेंस 4 जगह पढ़ते हैं, सिविल में, सीपीसी में और टॉट में, क्रिमिनल में, आईपीसी में और सीआरपीसी में, चलो लिख दो। लिख दी टॉट, तो टॉट एंड कोडिफाई है, सीपीसी 91, सीआरपीसी 133 से 143 और आईपीसी चैप्टर नंबर 14। देन 15 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियन, यू नो हम सबको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू रिलीजियन। कौन से आर्टिकल कहता है कि हम सबको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? रोहित 25, वेरी गुड, सही जवाब 25, लेकिन जब पूछे धर्म की स्वतंत्रता पूरा पूछा तो 25 28, जो पूरा है ना धर्म की स्वतंत्रता, तो आप लोग ऑब्लिक करके लिख सकते हो कि मुझे रिलीजन का राइट कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो बार बार लिखने से क्या फायदा होगा, चीजें आपको याद हो जाएगी। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑफेंस
अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी 299 से 377, और देन चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज 378 से 462। फिर प्रॉपर्टी भी गई, अब आई डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिक मार्क्स, चैप्टर 18 ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स 463 से 489 ई तक। और देन चैप्टर 9, देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और यहाँ पर भी है पर सर्विस की है, जिसके अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी है, ड्यूटीज हैं, और उसकी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे सजा है। जैसे आपकी ड्यूटी है कि आपके माता पिता का लालन पालन करना है, आपके भाई बहनों का करना है, जो कि आपकी लीगल ड्यूटी है, और यदि ब्रीच करते हो तो यहाँ पे सजा मिलती है 490 से 491। इसकी खासियत पता क्या है, इसमें एक ही सेक्शन बचा हुआ है 492 तक है ये, ठीक है, तो एक ही सेक्शन जिंदा 491, 490 भी रिपील हो गया और 492 भी रिपील हो गया, तो इस चैप्टर में एक ही सेक्शन है हमारे पास। देन आता मैरिज, बिना शादी के कोई मतलब नहीं संसार में, तो आइए शादी करते हैं, पूजा ने भी कर ली इसलिए, मैरिज 493 से 498 तक। मैरिज हो गई तो मैरिज के बाद आएगा क्रुएल्टी 498 से ए, कब जोड़ा गया, प्री का सवाल, 1983 में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया 1983 में, तो तीन प्री के क्वेश्चन हो गए 5A, 9A और 20A, तीनों प्री के क्वेश्चन है। देन डिफेमेशन 499 से 502, पता आपको डिफेमेशन यहाँ पर भी है और डिफेमेशन आपके टॉट में भी है, ऑब्लिक के लिए को, तो डिफेमेशन पे दो केस लगते हैं, सजा दिलाने के लिए आईपीसी और कंपनसेशन लेने के लिए सीपीसी, क्योंकि टॉट में आता है तो टॉट में मिलता है आपको लिक्विडेशन, है ना, एक तरह से कहीं डैमेजेस मिलता है और यहाँ पे सजा मिलती है, तो दोनों केस एक साथ लगा सकते हैं, वहाँ पे आपका रेस सब्जुडाइज नहीं लगेगा। बाकी सीपीसी में होता ना, एक मैटर पे दो केस नहीं लगा सकते, सेक्शन 10 सीपीसी रेस सब्जुडाइज लग जाता है, इसमें नहीं लगता है ये, राइट। ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑफेंस है जहाँ अपन सीपीसी और सीआरपीसी दोनों में साथ साथ चला सकते हैं, वहाँ रेस सब्जुडाइज नहीं लगता है। और देन आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एनोई 503 से 510, आपराधिक अभित्राश, शोभ और अपहानी जो बात करता है 503 से 510, और लास्ट में आया अटेम्प्ट, यस, गुस्से में आदमी करता है मारने की कोशिश, वो कोशिश होकर रह जाती 511। तो यहाँ पे हमारा आईपीसी का छोटा सा चैप्टर खत्म होता है। तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस में फाउंडेशन बेस चलते हैं, ये जो वीडियो आपने सुना लाइव क्लासेस का है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया के सारे स्टेट हम लोग पढ़ाते हैं, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू रहता है, क्लास से रिलेटेड कोई भी आपकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर जानना है, क्लास कब स्टार्ट होगी, और हाँ एक लास्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों की फीस हमारी इक्वल है, क्योंकि दोनों पढ़ाती में इक्वल, दोनों ही बच्चों को एक जैसा ज्ञान देती है और दोनों ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फीस में डिफरेंस नहीं है, बाकी सब एक जैसा ही है, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।